नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मेडिकल यानी कि एमबीबीएस और पैरामेडिकल कोर्सेज यानी कि जीएनएम एएनएम ट्रिपल सीएच यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ और उसके अलावा बीएएमएस बीएचएमएस ये सब छात्रों के लिए उपयोगी है। एक वीडियो में हमने सीखा था कि फैमिली का केस प्रेजेंटेशन में उनकी जनरल एपिडेमियोलॉजी और एनवायरमेंट के बारे में हिस्ट्री किस तरह से ली जाती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फैमिली के जनरल एनवायरमेंट और एनवायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी का प्रेजेंटेशन एग्जाम में किस तरह से करते हैं, तो चलिए हम देखते हैं वीडियो। फैमिली मेंबर में जो हेड ऑफ द फैमिली है वो एक्स है, वो अलियापाड़ा में नवापरा में रहते हैं। फैमिली में पांच मेंबर है, ए बी सी एंड डी ई। ए मेंबर है, उनकी उम्र 55 ईयर्स है और मेल है। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन लिया हुआ है और वो अभी कारपेंटर का जॉब कर रहे हैं और उनकी इनकम पर मंथ 10,000 रुपीज से। फैमिली मेंबर बी जिनकी उम्र है 52 ईयर्स, वो फीमेल है और वो उनकी वाइफ है। वो घर में छोटा मोटा काम करके वो पैसे कमाते हैं, जिनकी इनकम पर मंथ 1,000 रुपीज है। और फैमिली मेंबर सी जिनकी उम्र 32 ईयर है, वो मेल है, वो उनके सन है और उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन लिए हुए है। वो भी कारपेंटर का ही जॉब करते हैं अभी और उनकी पर मंथ की इनकम 15,000 रुपीज है। और डी और ई, वो उन्होंने भी सेकेंडरी एजुकेशन लिया हुआ है और वो भी कारपेंटर का ही जॉब करते हैं और उनकी पर मंथ इनकम 7,000 रुपीज है और उनकी टोटल इनकम 33,000 रुपीज है और उनको पर कैपिटल इनकम से डिवाइडेड करें तो 6,600। अब मैं फैमिली एनवायरमेंट कैसा है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। फिजिकल एनवायरमेंट में उनका हाउस है, वो उनका लोकेशन रूरल एरिया में उनका घर है और वो अपने ही घर में रहते हैं और वो उनका घर है वो ग्राउंड लेवल से अबव है। और टाइप्स ऑफ हाउस में उनका मकान है वो पक्का है और मकान के अंदर तीन रूम है, नीचे दो रूम और ऊपर एक रूम है और लिविंग रूम को एज ए वो बेडरूम भी यूज करते हैं। मकान के अंदर थ्री विंडो है, नीचे दो है और ऊपर एक। फ्लोर उनका ब्रिक्स का बना हुआ है और रूफ उनकी कॉन्क्रीट की ही है। वॉल भी उनकी कॉन्क्रीट की भी बनी हुई है। बाथरूम फैसिलिटी उनकी सेपरेट है एंड टॉयलेट फैसिलिटी भी उनकी सेपरेट ही है। वॉशिंग फैसिलिटी भी सेपरेट है जिनमें वो बर्तन का पानी धोके जो पानी होता है वो और कपड़े धोने के बाद जो पानी होता है वो बाहर की तरफ ओपन ड्रेनेज सिस्टम में जाता है। वेंटिलेशन इनएडिक्वेट है, नेचुरल लाइट है जो वो इनएडिक्वेट है और आर्टिफिशियल लाइट है वो एडिक्वेट है। क्रॉस वेंटिलेशन इनएडिक्वेट है, लाइटिंग फैसिलिटी एडिक्वेट और नॉन इनएडिक्वेट है। सेपरेट किचन है, किचन के अंदर पीने के लिए दो मटके रखे हुए हैं, वो एक कॉपर का है जिसके अंदर टैप है और दूसरा है वो स्टील का है जिसके अंदर टैप नहीं है, तो वो उनको ऐसे ही यूज करते हैं। डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट, वो जो पानी होता है वो सब घर के बाहर ओपन ड्रेनेज सिस्टम में ही थ्रो कर देते हैं। एंड जो उनके यूज का जो पानी है वो ग्राम पंचायत में से आता है, वो अल्टरनेट डेज में आता है और वो पानी को स्ट्रेन करके ही फिर उनके पॉट्स में भरते हैं। डोमेस्टिक एनिमल उनके घर में नहीं है पर बाहर काउ और डॉग्स है जिसकी वजह से इंजुरी और डॉग बाइटिंग का चांसेस रहता है। और मॉस्किटो ब्लीडिंग प्लेस बाहर पीछे की तरफ है क्योंकि उनके क्लोथ वॉशिंग का वो जो पानी जाता है उसमें क्यूलेक्स मॉस्किटोज का ब्रीडिंग प्लेस हो सकता है। ये वीडियो एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह है, इसमें और भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जैसे कि हम बहुत सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल जो फैमिली मेंबर है उनकी हेल्थ रिलेटेड हिस्ट्री जिसमें डिसीज की भी हिस्ट्री आ जाती है वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा सेविंग बैंक अकाउंट जो इंडिविजुअल फैमिली मेंबर है उनके सबके है कि नहीं है, आधार कार्ड सबके है कि नहीं है वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल एपिडेमियोलॉजी में फैमिली के जो सोशल रिलेशन उसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप
और रिलेशनशिप विद द फैमिली मेंबर विद नेबर, ये भी पॉइंट है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो इसमें हम और भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये जनरल एपिडेमियोलॉजी और एनवायरमेंट के बारे में ही था। डाइट हिस्ट्री के बारे में भी फैमिली जो होते हैं उनके इन्वेंटरी मेथड से डायट्री हिस्ट्री ली जाती है, वो हम कभी सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो इंडिविजुअल केस है, जैसे कि एंटीनेटल केस, पोस्टनेटल केस, अंडर फाइव चाइल्ड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो इस तरह से जो केस आते हैं एग्जाम में, तो उनके बारे में भी हम सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल आइकॉन है वो आइकॉन को भी उसमें क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।